बिखरी गठबंधन सरकार कांग्रेस और आरजेडी कर रही बड़ी मांग। जी हां, झारखंड में 70 गठबंधन के घटक दलों के बीच 20 सूत्री कमेटियों के पदों का बंटवारा जल्द होने की अब उम्मीद है। कांग्रेस और आरजेडी के इसके लिए शोर शोर से मांग उठाई थी। अब गठबंधन का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस मुद्दे को हल करने के प्रति तेजी दिखाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अहम बैठक पदों की शेयरिंग को लेकर मंत्री चंपाई सोरेन के आवास पर चल रही है। चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। सोरेन के आवास पर चल रही बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे, विधायक सुदिव्य कुमार समेत अन्य वरीय नेता मौजूद रहे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जल्द ही मोर्चा के रणनीतिकार पदों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। गौरतलब है कि हेमंत सरकार का एक साल पूरा होने के अवसर पर ये तय हुआ था कि 20 सूत्री कमेटियों के पदों का बंटवारा सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के बीच होगा। जनवरी में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का असर इस पर पड़ चुका था। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस विधायकों के बीच 20 सूत्री कमेटियों के साथ साथ बोर्ड निगम के लिए भी मांग शुरू कर दी गई। इसके बाद ये तय हुआ कि पहले 20 सूत्री कमेटियों में निचली कतार के नेताओं कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। ये कमेटियां जिला स्तर पर प्रखंड स्तर की होंगी। 20 सूत्री कमेटियां विकास कार्यक्रमों की निगरानी और देखरेख के लिए गठित की जाती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।